माइक आया हुआ है। दोस्तों मैं हूं पूरन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नॉर्थ बंगाल राइडर। स्वागत है आप सभी को आज का मेरा इस वीडियो में। आज का मेरा वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। मैं ड्राइवर हूं और मैं जलपाईगुड़ी हाईवे डिवीजन का गाड़ी चलाता हूं। मुझे डेली जलपाईगुड़ी जाना होता है क्योंकि सर इधर सिलीगुड़ी में रहते हैं, तो डेली मुझे जलपाईगुड़ी जाना होता है गाड़ी लेके। तो फिर वापस आते आते हमको 8-9 बज जाता है रात को। हफ्ता में संडे को छोड़ के बीच में भी कभी कभी छुट्टी होता है, तो उस छुट्टी के टाइम में मैं ब्लॉग बनाने के लिए निकलता हूँ। जैसा कि इससे पहले वीडियो आप लोग ने देखा होगा कि सिलगुड़ी से माल बाज़ार जो था बस का मैं ब्लॉग बनाया था, वो बीच में छुट्टी के टाइम में था। तो ऐसा ही मैं आने वाले दिन में भी बहुत सारा मैंने प्लान बनाया हूँ कि आप लोगों को दूसरे दूसरे जगह जाके आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को मैं दिखाऊँ। बस वही है कि इसके लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए होता है और आपको पता ही होगा और क्या चाहिए होता है, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए कुछ करना नहीं है आप लोगों को, कि नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा उसको दबाना है और बेल वाला आइकन को दबा के और अल में सेलेक्ट करना है और मेरे इस वीडियो को लाइक करना है ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आने वाले दिन में वो आप तक पहुंच सके। और आपका एक लाइक मुझे उत्साह मिलती है तो ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग सिलगुड़ी से जाऊंगा मैं अपना गाड़ी लेके। मैं बीच में मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सर लोग रहते हैं तो अलाउ नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ सर लोगों को लेने, वहाँ तक का मैं बनाऊँगा आप लोगों को। वीडियो जो क्लिप किया है वो दिखाऊँगा और सीधा मिलता हूँ आपको जलपाईगुड़ी ऑफिस में। तो मैं अभी पहुंचने वाला हूं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचने वाला हूं। 5-7 मिनट का रास्ता होगा, फिर यहां से शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा जब दूसरे सर उठेंगे क्योंकि वही ऑफिस में फिर बात हो जाती है। यहां से लेनी है मेरे को राइट। मैं अभी ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने हूँ, तो शायद दूसरा सर आने वाला है तो यहाँ से मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। तो अभी सीधा मिलते हैं हम जलपाईगुड़ी ऑफिस में जाके, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ जलपाईगुड़ी ऑफिस। अभी मुझे ये देखिए, ये सब डिवीज़न है और ये डिवीज़न ऑफिस है और ये सब पेंडल देख रहा है कल के लिए है। कल जैसे कि आपको पता है कल विश्वकर्मा पूजा है, और ये जो आगे विशुदा यहाँ का स्टाफ है घूम रहा है। ये सब गाड़ी है आया हुआ है, तो अभी मेरे को गाड़ी धोने जाना है तो रास्ता में बात करते हुए चलते हैं। अभी मैं गाड़ी धोने जा रहा हूँ क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है, कल गाड़ी धोने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी दोस्त ने फ़ोन किया था कि उधर में एक गाड़ी धोने का जगह है। अभी मैं हूँ जलपाईगुड़ी
शहर में, क्योंकि मेरा ऑफिस इधर ही है, तो यहाँ पे सर को ऑफिस में छोड़ के अभी मैं गाड़ी धोने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रहा है, जब सिलगुड़ी से हम निकले थे तो बारिश नहीं हो रहा था, अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है। गाड़ी धोने का तो कोई फायदा नहीं है लग रहा है, लेकिन क्या करें, मालिक बोला है कि गाड़ी तो धोना पड़ेगा, कल पूजा करना है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ये जो है जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन वाला रोड है, उधर से भी जा सकता था लेकिन उधर से थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए मैं इधर से आया हूँ। आगे से मेरे को राइट जाना है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा जलपाईगुड़ी भी दिखा देता हूँ, हो सकता है आप लोग में से कई जलपाईगुड़ी आए होंगे, तो आप लोग अगर कोई है तो नहीं आए होंगे तो उनके लिए हो जाएगा देखना भी। यहाँ से मेरे को राइट लेना है, अगर मैं दूसरा रोड से आता तो इधर इस रोड से आता मैं राइट से, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो फिर हल्दीबारी वाला रोड उठ के फिर सिलगुड़ी चला जाएगा। मेरे को जाना है पूरा सीधा। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जहां पे गाड़ी धुलता है, लगता है आज बहुत सारा गाड़ी है क्योंकि कल भी सकारा पूजा है ना, दिखाई दे रहा है बहुत सारा भीड़ है। देखता हूं जो यहां पे गाड़ी धुलता है, गाड़ी आज बहुत सारा है, पता नहीं कब होगा मेरा टर्न, कब आएगा। ये है मेरा गाड़ी, मैं इधर में लगा दिया हूँ, पीछे से टोटो ने मार दिया, इधर भी फूट गया लाइट, और दूसरा ड्राइवर ने ठोका था, जैसे भी है। ये सब गाड़ी धोने के लिए आया हुआ है, शायद यहाँ पे एक ही गाड़ी धोने का जगह है इसलिए बहुत भीड़ है। ये जो गाड़ी धुल के जा रहा है तो मैं कम पैसे में धोता है, जलपाईगुड़ी थोड़ा सस्ता है, बाकी जैसे सिलगुड़ी में 550-600 लेता है, ज़्यादा भी लेता है कई जगह में, जलपाईगुड़ी में 300-350 ऐसा में धुल देता है, पता नहीं मेरा गाड़ी का कितना लेगा। आ रहा हूँ रुके, यहाँ पे एक बाइक आया हुआ है हार्ले डेविडसन, जो भी शायद धोने के लिए आया हुआ है, कल विश्वकर्मा पूजा है ना, सब लोग गाड़ी धोने के लिए। अब स्टाफ बहुत है गाड़ी में, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा स्टाफ भी है, शायद एक गाड़ी धोने के लिए 10-15 मिनट लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। ये मैंने अपना गाड़ी लगा दिया है धोने के लिए, शुरू कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा है ना कि यहाँ पर देखिए वो बाइक उधर पीछे में धो रहा है,
नंबर आ चुका है, लेकिन बहुत गाड़ी के पीछे नंबर था, लेकिन बोल के इधर का जान पहचान वाले से बातचीत करके दोनों शुरू कर दिया। मैं अभी गाड़ी धो के, मेरा गाड़ी धो के कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं निकल के ऑफिस जा रहा हूँ। रुकिए भैया रुकिए, इतना स्पीड क्यों चला रहे हैं? मैं अभी इस रोड से जाऊंगा, यहाँ से लेफ्ट, मैं उधर से सीधा से आया था जब मैं आया था, थोड़ा नजदीक पड़ता है लेकिन वही है, ट्रैफिक ज्यादा है। इतना जाम होता है ना, इस रोड से आने का मन नहीं करता है। यहाँ पर भी सिलीगुड़ी जैसा हाल हो रहा है, अभी धीरे धीरे यहाँ पे भी गाड़ी बहुत बढ़ रहा है ना। बड़ा मुश्किल से निकला ट्रैफिक से, बाप रे। ये पहुंच गए मैं ऑफिस, ये है हमारा ऑफिस, यह जलपाईगुड़ी हाईवे डिवीज़न का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।